बतलाना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को। सबसे पहले आपको हम ग्रेचुटी के केस का अपडेट देते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को उपदान का लाभ मिले, ग्रेचुटी का लाभ मिले, इसके लिए हमने 2019 में ही केस दायर किया था। और जो 2019 में हमने केस दायर किया था वह 25 अप्रैल को हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ और यह अप्रैल चल रहा है। आप समझिए 5 वर्षों तक लगातार हमने इसके लिए पहल किया, तब जाकर के ये केस अब टेकअप हुआ है। इसमें तो ऐसा हुआ है कि 3 बार जब बीच में जब डेट मिला तो 3 बार बिहार सरकार के अधिवक्ता ने समय ले लिया कि हम जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेचुटी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, जो प्राइवेट कंपनी पर, जो फार्म हाउस हो उसमें भी, होटल हो उसमें भी, वाइल्ड फील्ड हो उसमें भी, ये कहीं भी कोई भी जो नियोक्ता है जो 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है, बहाल किया है, काम ले रहा है, चाहे वह डेली वेजेज वर्कर ही क्यों नहीं हो, उसको ग्रेचुटी का लाभ देना है। तो यह हमको, जब हमने ग्रेचुटी एक्ट 1972 को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस केस को हाईकोर्ट में लेकर जाना चाहिए, तो हमने अप्रैल 2019 में ही केस दायर किया। उस केस की जब सुनवाई हुई तो इसमें मैं बताऊं कि 27 अगस्त 2019 को एक सुनवाई हुई थी, इसके पहले भी एक सुनवाई हुई थी, लेकिन 27 अगस्त 2019 को आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति थे उस समय में अनिल कुमार उपाध्याय जी, आज वह नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वह हम लोगों के समान काम समान वेतन वाले केस में भी वह थे और बहुत ही पॉजिटिव जस्टिस थे। तो उन्होंने जब सुनवाई की तो उन्होंने जो लिखा था वह मैं आपको इसको साइट करके बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर इज परमिटेड टू इम्प्लीट प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज एज पार्टी रेस्पोंडेंट नंबर 4। हमने जो पार्टी बनाया था, 3 लोगों को पार्टी बनाया था, तो 4th पार्टी उन्होंने कहा कि पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दीजिए, क्योंकि पंचायती राज शिक्षा विभाग वाले कहेंगे कि ये पंचायती राज के कर्मचारी हैं और पंचायती राज वाले कहेंगे कि ये शिक्षा विभाग के हैं। तो शिक्षा विभाग तो ऑलरेडी पार्टी बना हुआ था लेकिन पंचायती राज नहीं था, तो अनिल कुमार उपाध्याय जी माननीय न्यायमूर्ति ने यह पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन्होंने पार्टी बना दिया। और साथ ही आगे लिखा, द स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज। फाइल फाइलिंग काउंटर एफिडेविट द रेस्पोंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट रिपोर्टेड इन 2019-6 SCC 103 पुट अप ऑन 23/9/2019 या उसी समय रखा गया, लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग भी काउंटर एफिडेविट दे, जवाबी हलफनामा दे, और जवाबी हलफनामा देते समय सुप्रीम कोर्ट का जो एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको उन्होंने साइट कर दिया और कहा कि इसको कंसीडर करते हुए आप काउंटर एफिडेविट दीजिएगा। तो वह तो एक तरह का डायरेक्शन था उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस जजमेंट का उल्लेख अनिल कुमार उपाध्याय जी ने किया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वह नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर से संबंधित था, और डेली वेजेज वर्कर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको ग्रेचुटी का लाभ दीजिए। तो निश्चित रूप से इनको एक तरह से निर्देश था, लेकिन ये लोग कन्नी काट रहे हैं। यह शिक्षा विभाग का हमेशा से यही रहा तमाशा कि ये देंगे भी, लेकिन जब तक तंग तबाह नहीं करेंगे, हम लोगों को परेशान परेशान नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं देंगे। ग्रेचुटी का लाभ नहीं दीजिएगा, जब नगर निगम के दैनिक भोगी मजदूर को आप लाभ दीजिएगा और शिक्षकों को नहीं दीजिएगा। जो 10 कर्मचारी को बहाल करेगा वह देगा, और आप 4 लाख और 6 लाख लोगों को बहाल कीजिएगा तो आप नहीं दीजिएगा। तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया था, इनको कोई जवाब नहीं जुड़ रहा है। तो काउंटर एफिडेविट इन्होंने दिया, और आज जब बहस हुई तो बहस में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट आदरणीय मृगांक मौली साहब वहां पर अपीयर हुए और उन्होंने जोरदार बहस की। और बहस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे और भी कई फैसले आए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल का भी फैसला है, प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स को भी ग्रेचुटी का लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशित किए हुए, वो जजमेंट भी था। तो इन सभी जजमेंट को जब रखा गया तो कोर्ट संतुष्ट था, लेकिन बिहार सरकार के लोगों को तो फंसाना है। तो ये कहे कि हुजूर हमको थोड़ा सा समय दे दिया जाए, हम कुछ नया अपडेट देना चाहते हैं। अपडेट क्या, खाक दीजिएगा, अगला डेट पर तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करके ही आना पड़ेगा। तो कोर्ट संतुष्ट था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो इनको थोड़ा सा एक टाइम और दे दीजिए। तो 6 मई को तिथि निर्धारित की गई है, अगली सुनवाई की तिथि 6 मई को है, उस दिन बिहार सरकार
को जो कुछ भी कहना है, अपना बचा खुचा जो होगा वो अपना कहेंगे और उस दिन आपके केस का फैसला हो जाएगा। मतलब आज जो है बहस वह सही दिशा में है और निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं।